हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ सैमसंग गैलेक्सी का एक और हिडन फीचर, या बोल सकते हैं हिडन फीचर बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी का जो पावर की होती है, आप भी बोल सकते हैं जो साइट की होती है, कैसे उसके टास्क को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर उसमें और कुछ भी लगा सकते हैं ताकि आप उसको ईजिली कर सकें। लाइक आपको जो भी काम बहुत आपका काम का रहता है तो आप उसको साइट की के अंदर असाइन कर सकते हैं, और जिसको आप बहुत ईजिली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे वीडियो बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों, जैसा ही इन्होंने बताया कैसे आप अपने साइड की को असाइन कर पाएंगे दूसरे टास्क के लिए, या फिर बोल सकते हैं कैसे आप सैमसंग का जो पावर की वाला बटन होता है उसके अंदर कोई और दूसरा काम को भी एड ऑन कर पाएंगे, या फिर बोल सकते हैं उसकी फंक्शन को चेंज कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं अभी इसको दबा के रखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा साउंड, यहाँ पर साउंड मेरा कम ज़्यादा हो रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट आउट कर रखा है। एक बार दबाऊंगा तो यहाँ पर मोबाइल को लॉक हो रहा है। तो अगर आपको इसको चेंज करना हो तो उसके लिए आपको जाना है, आप सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की गुड लक वाली ऐप में चले जाना है, या फिर बोल सकते हैं गुड लक वाले ऐप में जाना है। यहाँ जाने के बाद एक नया जो कि अभी रिसेंटली एड ऑन किया गया था रजिस्टर वाला मॉड्यूल, आपको उसके अंदर चले जाना है। यहाँ पर आप जाएंगे रजिस्टर वाले मॉड्यूल में। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिल रहा है साइट की एंड होल्ड वाला एक्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उसके अंदर चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड पहले तो इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसमें से भी लगा सकते हैं, लाइक टैग एंड शेयर स्क्रीन शॉट, एक्सेस योर गूगल वॉइस असिस्टेंट, जो कि बहुत काम का है। जैसा कि आपने इसको यहाँ लगा दिया तो अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो वहाँ पर गूगल असिस्टेंट वहाँ पर खुल जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे मैंने इसको लगा के रखा है, और अब मैं जैसे इसको प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो वहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, तो जो कि बहुत काम का है, ये भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर टर्न ऑन और फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, टर्न ऑन ऑटो रोटेट, टर्न ऑन लाइव कैप्शन, म्यूट और अनम्यूट वॉल्यूम जैसा कि मैंने लगा रखा था, शो नोटिफिकेशन, शो रिसेंट्स ऐप, बैक बटन, और ये तो सारा चीज़ आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ओपन ऐप में जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या चीज़ को ऐड ऑन करना है आप यहाँ पर देख लो, आप उसको भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक मेरे को यहाँ पर ऐड ऑन करना है कि मैं जब भी उस पर क्लिक करूँ मेरी गैलरी खुल जाए, या गैलरी में क्या चीज़ हो जाए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं सर्च गैलरी का ऑप्शन खुल जाए या सर्च गैलरी का ऑप्शन, जैसे कि मैंने उस पर क्लिक कर दिया और अब मैं आ गया हूँ बाहर। अब मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो आप देखेंगे जैसे कि मैं उस पर खोलूँगा तो डायरेक्टली वहाँ पर वो एल्बम सर्च में चला गया, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है। जो भी आपका यूजफुल फीचर है आपको उस पर सेट आउट कर देना है और उसको बैक कर देना है, तो वो वहाँ पर वैसा ही काम करेगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।